हर अमीर आदमी को ये चीज जरूर पता होती है और इसी वजह से वो अमीर होता है, और हर गरीब आदमी इसलिए गरीब होता है, बस उसको ये चीज नहीं पता जो आज हम बात करने वाले हैं। और कोई भी गरीब आदमी अगर ये चीज कर ले जो आज हम बात करने वाले हैं, सर अमीर बनना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसे कमाने के लिए सर मौके से ज्यादा बुद्धि चाहिए, पैसे की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चाहिए, और वो कैलकुलेशन वो बुद्धि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले देखो कुछ कहानियां, कुछ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कहानी कुछ इस तरीके से है, एक राजा हुआ करता था बहुत टाइम पहले, दानी राजा था वो। उसके दरबार में एक बार एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए, तो राजा बोला मांगो भैया जो मांगना है। तो भिखारी बोला भैया राजा हम जो मांगेंगे वो दे पाओगे? तो राजा युवा पे लग गया, ये क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। तो राजा उस वक्त अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था, बोला आपके चेस में कितने खाने हैं? बोला 64 खाने। तो बोला हर एक खाने में चावल का एक दाना डबल करते चले जाइए अगले में, यानी कि पहले खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में दो, और तीसरे में चार, उसके बाद 8, उसके बाद 16, डबल करते जाइए 64वें खाने तक। तो राजा मुस्कुराया, बोला ये क्या चीज़ मांग रहा है भाई, छोटी सी चीज़ मांग रहा है, हमें लगा कुछ तुम सोना चांदी मांगोगे, तो बहुत छोटी सी चीज़ मांग रहे हो, ठीक है। वो सिपाही बोला अरे भाई कैलकुलेट कर लो कितना ही मांग रहा है उतना दे दो। सिपाही गए एकदम जोश में देने के लिए उधर। थोड़ी देर बाद सिपाही चिल्लाते आए, अरे राजा जी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली इसने। बोला क्या मांग लिया? बोले जितना अन्न इसने मांग लिया ना, जितना चावल का दाना मांगा है सर हमारे राज्य में, तो छोड़ो धरती पर आज तक उतना दाना नहीं हुआ। राजा की आंखें पटी रह गई, ये कंपाउंडिंग का जादू है सर, 64वें खाने तक। अच्छा ये कैसे हुआ, क्या कैलकुलेशन है इसका, अभी आगे बताता हूँ। एक और सुनो, मान लो आप जब पैदा हुए होगे, माता जी ने पिताजी ने 1,00,000 रुपये आपके FD कर दिया होगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, 15% के हिसाब से मान लेते हैं, मानने में तो कुछ भी माना जाता है। और पिताजी समझदार थे, उन्होंने बोला कि पूरी जवानी पूरी जिंदगी इसको बताएंगे नहीं, ये जब रिटायर हो रहा होगा उस वक्त इसको बताएंगे, उस वक्त इसके काम आ जाएगी। 58 साल के आप हो चुके हो और परिवार में सब कुछ अच्छा है, सारी की हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक है, माता पिता भी सब उसी टाइम हैं अभी। तब पिताजी आपको बताते हैं कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो 1,00,000 रुपये FD कर दिए थे 15% के हिसाब से, हालांकि 15% मिलता उलता नहीं है FD में, एग्जाम्पल लिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और आज वो पैसा बन चुका है बढ़ करके 9,70,000 रुपये। आप खुश हो जाते हो, अरे वाह क्या बात है पिताजी, बहुत बढ़िया काम किया, तो 9,70,000 बैठे बैठे मिल गए। जब आप पैदा हुए थे उसी दिन आपका एक दोस्त भी पैदा हुआ था, उसके पिताजी थोड़े फिनेंस में ज्यादा समझदार थे, थोड़े से ज्यादा समझदार थे। उसने भी 15% के हिसाब से एक जगह पर डाल दिया था पैसा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के पे कैलकुलेट हो रहा था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से सर आपका तो 9,70,000 बना ना, उसका मालूम कितना बना, वही 1,00,000 रुपये, वही 15% के हिसाब से, बस कंपाउंडिंग हो रहा था। क्या लगता है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? सर 33 करोड़ रुपीस उसके बन गए। कंपाउंडिंग ऐसे खेलता है। एक और कहानी सुनाता हूं। अकबर बीरबल के टाइम पे दो दोस्त हुआ करते थे, बड़े समझदार थे, पूरे राज्य में उनकी चर्चा चल रही थी, ये दोनों एकदम बहुत दिमाग वाले, एक एक बड़ी बड़ी पहेली सॉल्व करते थे, एक नंबर दिमाग वाले। अकबर बोले एक काम करो बीरबल, ये दोनों लौंडों को अपने दरबार में बुलाओ और इसकी बुद्धिमत्ता का जरा टेस्ट लो, सही में ये लोग हैं कि ऐसे बेवकूफ बनाने लोगों को। बीरबल बोले ठीक है बुलाते हैं, चेक करते हैं इनको। बुलाया गया तो बीरबल ने बोला भैया तुम्हारे बुद्धिमत्ता से हमारे राजा बड़े खुश हैं, तुमको इनाम देना चाहते हैं। दो तरह का इनाम है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों में से जो भी चाहो वो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो इनाम यूं था कि 1,00,000 रुपये तुरंत ले लो नगद। अब 1,00,000 रुपये उस टाइम तो बहुत भारी बात थी, हमने एग्जांपल ले लिया 1,00,000 रुपये ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे, ठीक है। सच में दिल पे लेके मत बैठ जाना, 1,00,000 रुपये उस टाइम पे कहाँ, अरे होता ही नहीं था, झूठ बोल रहे तो, अरे मान लो ना, ठीक है 1,00,000 रुपये। तो एक दोस्त जो था तुरंत ले लिया 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये चाहिए, बिना दूसरा ऑप्शन सुने। दूसरा ऑप्शन ये था कि 1,00,000 रोज 30 दिन तक मिलेगा डबल होते हुए। उसने सोचा बड़े हैं वो 1,00,000 रुपये ले लिया, दूसरा कहा तो बहुत बेवकूफ बेकार है। तो दूसरे वाले दोस्त ने उसको चुना, बोला मुझे यही वाला ऑप्शन चाहिए, हर रोज 1,00,000 डबल होते हुए 30 दिन तक। ये बोला बेवकूफ आदमी, तुम तो यार इतना समझदार आदमी हुआ करते थे, कैसे ऑप्शन चुन रहे हो? बोलो ठहरो अभी देखो क्या होता है। सर कंपाउंडिंग का जादू देखो, पहले दिन तो 1,00,000 मिला बेचारे को, अभी तक उसको बेचारा ही समझा जा रहा था उसके दोस्त के द्वारा। 10वें दिन उसको मिलता है 1,024 रुपये,
कंपाउंड होते होते 1024 रुपए हो गए 10वें दिन। 15वें दिन उसका पैसा हो जाता है 32,000 रुपए से ज्यादा। अब तक उसका दोस्त कह रहा है, यार कौन चक्कर में फंस गए तुम, काहे जैसा बेवकूफी किए, 1 करोड़ रुपए ले लेते तुम भी। बोला थमो जरा भी, रुको देखो तो सही। सर 20वें दिन उसका पैसा हो गया एक रुपए हर रोज डबल होते होते, इस हिसाब से कंपाउंडिंग होते होते 20वें दिन उसका पैसा हो जाता है 10 लाख रुपए से ज्यादा। और 30वें दिन उसका पैसा हो जाता है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। सर 107 करोड़ बन जाता है 30वें दिन। कैलकुलेट करके देख लेना, ये होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दरअसल होता क्या है, कंपाउंडिंग देखो आपका पैसा बच्चे दे रहा होता है। कंपाउंडिंग को कुछ इस तरीके से समझो, पैसा जहां आप इन्वेस्ट करते हो ना सर, वो जो इंटरेस्ट उस पैसे पर मिलता है, वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट बनता है, और जो बना हुआ इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट बनता है, वो उस पर भी इंटरेस्ट बनता है। ऐसा कारवा चलते ही रह जाता है। मतलब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 64, ये इस तरीके से कारवा बढ़ता चला जाता है। तो कंपाउंडिंग बड़ा फिर मैजिकल रिजल्ट निकालता है। आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं, तो पता कहाँ से रहेगा, खाली लड़कियों के चक्कर में रहते हो, EMI वाले आईफोन के चक्कर में रहते हो, आलतू फालतू लौंडों लपाड़ों के चक्कर में रहते हो, संगत तुम्हारी बुरी होती है, सब सीखोगे कहाँ से। देखो एक बात बताओ दोस्त, जिंदगी एक बार मिली है, तुम्हारी परवाह करने वाला धरती पर कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप के अलावा, आपके परिवार के अलावा किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी, कोई काम नहीं आएगा मुझे तुम्हारे मुश्किल वक्त में। जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ना सर, दुनिया के लोग आएंगे जरूर तुम्हारे पास, रिश्तेदार आस पड़ोस वाले, सहानुभूति देने के लिए, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ जानकर के, लेकिन अंदर अंदर उनको खुशी हो रही होती है, ऐसे ही होते हैं लोग। और जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बढ़िया हो, लॉटरी वोटरी लग गई, पता चला IT निकाल लिए और कोई बढ़िया नौकरी वोकरी लग गया, तो अगल बगल वाले आएंगे बधाई देने के लिए, लेकिन अंदर उनका जल रहा होता है सीना, अंदर वो खुश नहीं होते हैं। इस दुनिया में केवल आपका परिवार है जो आपकी उपलब्धियों के लिए खुश होता है, और केवल आपका परिवार है जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो सच में दुखी होते हैं। सर कोई तुम्हारी परवाह करने वाला नहीं है। तो ये दुनिया जितना लपड़ लौंडे लपाड़ों के चक्कर में अपना समय खराब करते हो, समय खराब मत करो सर, ये सब चीजें सीखने में समय लगाओ। पैसे बिना ना मोहब्बत नहीं सिर्फ धोखा मिलता है, और जब तुम्हारे पास भरपूर पैसे आ जाएं तो मोहब्बत का हर जगह मौका मिलता है। इसलिए पैसे कमाओ, शक्ति अर्जित करने में ध्यान लगाओ।